कक्षा 12वीं के जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले हमने टेक्स्टुअल पार्ट को अध्ययन किया था और आपका जो पार्ट बी है राइटिंग सेक्शन, इसके हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे और ये बताया था कि राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत आपका 5 नंबर की राइटिंग, इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, एप्लीकेशन लेटर्स और ऐसे राइटिंग और वर्बल इनपुट आएगा। उसके अंतर्गत हमने पोस्टर डिजाइनिंग, रिपोर्ट राइटिंग का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्टीजमेंट। जैसा कि आप सबको अच्छे से मालूम है कि हम किसी भी चीज में, आज का जो युग है, वर्तमान युग में अगर कोई प्रोडक्ट बनता है या कोई संदेश देना होता है या जन जागरूकता अभियान चलाना होता है, उन सभी में हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उसका प्रचार प्रसार करें। और प्रचार प्रसार के कड़ी में, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पोस्टर डिजाइनिंग समझा था, आज उसी के तहत हम समझने जा रहे हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है और ये क्यों आवश्यक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्टीजमेंट, व्हाट इज दिस? An advertisement is a very powerful medium to influence the minds of the masses. अर्थात जितने भी लोग हैं, जो क्राउड है, उन सभी को बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है प्रभावित करने का। It is mainly used to buy or sell things or to give and collect information. अर्थात क्या करते हैं हम? एकत्रित करने का काम करते हैं, सूचना एकत्रित करना। हम सूचना देते भी हैं, प्रदान भी करते हैं और सूचना एकत्रीकरण का कार्य भी हम इसके द्वारा करते हैं। एडवर्टीजमेंट अर्थात हिंदी में इसको विज्ञापन कहते हैं, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, यानी सूचना के रूप में, पिक्चर एक किसी चित्र के रूप में और फिल्म चलचित्र के रूप में, इनके आधार पर ये कार्य करते हैं। इस प्योरली कॉमर्शियल इन नेचर जो होते हैं वो पूर्ण तरह से व्यावसायिक होते हैं। It reaches the masses through newspaper, TV, radio and cinema. हम किन किन के माध्यम से एडवर्टीजमेंट करते हैं? आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है, न्यूज़पेपर, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो, सिनेमा और अब आजकल मल्टीमीडिया, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी एडवर्टीजमेंट का प्रचलन बढ़ा है। हाउ टू ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट, अब किसी भी एडवर्टीजमेंट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से क्या कार्य करना चाहिए? ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग एन एडवर्टीजमेंट इज एन आर्ट, ये एक बहुत बड़ी कला है कि हम किस प्रकार, क्योंकि कुछ एडवर्टीजमेंट हमको बहुत प्रभावी करते हैं और कुछ एडवर्टीजमेंट हम उनको नोटिस भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कला है और इसमें कौन कौन से टिप्स हैं जो हमको हेल्प करते हैं। पहला है, द मेन एम ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज टू प्रमोट सेल्स एंड बिजनेस। सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि हम किसी भी वस्तु की बिक्री और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, यूज कैची सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज टू टेम्प्ट द रीडर्स टू गो फॉर इट। हमको कैसी लैंग्वेज? बहुत अत्यंत ग्राही, सिंपल यानी साधारण और इफेक्टिव यानी प्रभावशील, माने साधारण सिंपल लेकिन प्रभावशील जो भाषा है उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो पढ़ने वाले या सुनने वाला है वो इसको हर हाल में इसके लिए तैयार हो जाए। थर्ड है, एडवर्टीजमेंट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए और अपने विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज, एडवर्टीजमेंट शुडन्ट बी मेड हैवी, लेंथी एंड डल बाय यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस। कभी भी जो विज्ञापन होता है उसमें हमेशा भारीपन, बहुत लंबा और बहुत डल यानी बोरिंग टाइप के सेंटेंसेस यूज नहीं करना चाहिए। वैसे तो आपको एडवर्टीजमेंट मेकिंग आएगी, लेकिन इसके पहले हम आपको एडवर्टीजमेंट के बारे में थोड़ा सा एक डीप आइडिया देना चाहेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, वन इज क्लासिफाइड एंड सेकेंड वन कॉमर्शियल, अर्थात वर्गीकृत विज्ञापन और व्यावसायिक विज्ञापन। ये वर्गीकृत के अंतर्गत आते हैं और ये व्यावसायिक श्रेणी के विज्ञापन इसके अंतर्गत आते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन जो है उसके क्या क्या है, इसमें वर्ड लिमिट बहुत कम शब्दों में बताना चाहिए,
दूसरा टू द पॉइंट होना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, फैक्चुअल और फॉर्मल होना चाहिए अर्थात औपचारिक रूप से होना चाहिए और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो आपको करने आना है? ट्रेवल एंड टूर, मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन, फॉर सेल एंड परचेज खरीदना और बेचना, टू लेट देना, किराए पर रेंट पर, सिचुएशन वैकेंट की कहीं पोस्ट खाली है व्यावसायिक पद हेतु, प्लेसमेंट सर्विस, प्रॉपर्टी संपत्ति के मामले में, लॉस्ट एंड फाउंड, घूमना और मिलना। सेकेंड कैटेगरी जो आती है वो है कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट की। उसके फीचर्स क्या है? इसमें ज्यादा शब्द रहते हैं, ज्यादा एक्सप्रेस करना रहता है, विजुअली इनका अट्रैक्टिव होना चाहिए, लैंग्वेज विच इज स्टाइलिश होना चाहिए, थोड़ा कैची होना चाहिए, और इसमें नाम, एड्रेस, कंपनी या इंस्टीट्यूट का पूरा तरह से दिखा शो होना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, बैंक एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड फर्म्स दैट डील कस्टमर गुड्स एंड सर्विस। तो कॉमर्शियल के अलावा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपसे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट अर्थात वर्गीकृत विज्ञापन। चलिए शुरू करते हैं एक एडवर्टीजमेंट बनाना। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, सेटिंग द लॉस ऑफ योर बुक्स एंड इम्पॉर्टेंट वाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस। अब आपको यहाँ पर जो इसका मीन है वो क्या निकल रहा है, आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है। किस सेक्शन के लिए क्लासिफाइड है ना, वर्गीकृत है ये, कौन से सेक्शन में वर्गीकृत है? लॉस्ट एंड फाउंड, घूमना और मिलना वाले कॉलम में आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है, और उसमें आपको ये बताना है कि आप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा हुआ एक जो बैग है वो आप भूल गए हैं लोकल बस में। तो चलिए शुरू करेंगे। एडवर्टीजमेंट बनाने के पहले हमको उसका पूरा कॉलम डिजाइन करना है प्रॉपर, उसको मार्जिन लाइन से आप खींच लीजिए, और यदि आपको गुमे हैं तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके लिखना है लॉस्ट यानी गुमा। अ ब्लू ऑटो गोल्ड बैग कंटेनिंग बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन 3rd January 2020 इन द बस नंबर MP06Z5302। अब यहाँ लिखा है कि एक ब्लू कलर का बैग जिसमें बुक्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, आप उस डेट को मेंशन करिए 3 जनवरी को किस बस से। यदि आपको बस का नंबर याद है देन आप बस का नंबर यहाँ नोट डाउन करिए। एंड रूट फ्रॉम मुरैना टू सबलगढ़, अब वो कहाँ जा रहे थे, किस रूट पे घुमा है वो भी हमको मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है मुरैना से सबलगढ़ पर, अट्रैक्टिव रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू। अगर आप ये सारी चीजें लौटाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिल सकता है। काइंडली कॉन्टेक्ट, संपर्क करें, अपना नाम, सूरज सिंह सिकरवार, न्यू हाउसिंग बोर्ड, जेके टायर लेन, मयूर वन, मुरैना, मोबाइल नंबर 8269923479। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप यही नंबर और ये सब राइट डाउन करें, आप चेंज भी कर सकते हैं, पर इस प्रकार से आपको लॉस्ट कॉलम के अंतर्गत एक एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी ऑफरिंग स्पेशल पैकेज फॉर सिंगापुर ट्रिप। अब सिंगापुर ट्रिप जाने के लिए कोई ना कोई कंपनी ने क्या किया है, एक आकर्षक पैकेज निकाला है। क्या निकाला है? इसका क्लासिफाइड एग्जाम्पल किस में जाएगा? टूर एंड ट्रेवल्स में। तो टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी है, उसने क्या निकाला? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, जिससे जो कस्टमर है या जो लोग देख रहे हैं रीडर्स, हम क्या करें, अट्रैक्ट हो। तो क्या लिखा? बेस्ट प्राइस, यानी सबसे अच्छी कीमतों पर। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर अपनी कंपनी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो अपना डालेगा। फिर हमने इसको और ज्यादा कैची बनाने के लिए क्या कर दिया, 100% गारंटीड सेटिस्फेक्शन, अर्थात फुल गारंटी है आपको कि पूरा संतोष मिलेगा 100%। क्या है? नो हिडन चार्जेस एक्स्ट्रा, राइट इंफॉर्मेशनल अबाउट रिसॉर्ट्स बैक्ड बाय क्लाइंट फीडबैक, suggestion.kp@gmail.com। इस प्रकार से आप एक अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट डिजाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके एडवर्टीजमेंट डिजाइन, कैसे करना है और किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमने आज बहुत अच्छे से समझा। आप इन दोनों एडवर्टीजमेंट को अपनी नोटबुक में नोट करें और उसको अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।